अच्छा, ये सारा पीतल का है क्या? 1500। ये क्या है, सूट है क्या ये? अच्छा, 800 से लेकर 2500 तक है। आप लद्दाख से हैं आप? अच्छा, छत्तीसगढ़ का क्या लेकर आए स्पेशल आपका है? ये प्लांटिंग के लिए आता है ना? अच्छा, सम्मान करेगा। स्टॉल नंबर 21 जो कि राजस्थान का है, 1000 से 10,000 तक की पेंटिंग मिल जाएगी भाई। अरे ऐसा ही, मतलब ये सारा तैयार किया जाता है? ये देखो भाई, ये है स्टॉल नंबर 140 जो कि तेलंगाना का स्टॉल रहे। अच्छा, अच्छा। सबसे हाथ से बनाते हैं, हाथ से करते हैं। सारा हाथ से बना हुआ है। अच्छा, से स्टार्टिंग कर देते हैं आप? अच्छा से स्टार्टिंग है। ओके, ओके। पॉइंट्स रख ले सकते हैं। जी जी। अच्छा सर, ऐसे जिप लगा देना, ऐसा फिंगर लगा लेके चले जाते। क्या बात है। तो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। भाई यहाँ पे लगा हुआ है आदि महोत्सव जो कि पूरे 10 दिन चलने वाला है। यहाँ पे आप अलग अलग स्टेट के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ दिखाने वाले हैं। यहाँ की टाइमिंग क्या है, कब तक चलेगा, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वगैरह क्या है और किस किस तरीके के आइटम्स वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं, सब कुछ आज के इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। ठीक है, पीछे मेरे देख सकते हैं, ऐसे ही काफी सारे स्टेट के स्टॉल वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको कल्चरल प्रोग्राम वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग को लास्ट तक देखिए। यहाँ पे आने के लिए जो सबसे नियर बाय मेट्रो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका खान मार्केट का। खान मार्केट के मेट्रो स्टेशन से ये लगभग 2 किलोमीटर पड़ जाता है। ठीक है, और देखिए हम एंट्री गेट पे आ गए हैं। ये गेट नंबर 5 से हम एंट्री ले रहे हैं और यहाँ पर देखिए दिख जाता है लिखा हुआ आदि महोत्सव 2023। यहाँ पे आप फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हैं, वो स्टार्टिंग में ये बना रखा है। और जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है भाई, 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ पड़ा है और 27 फरवरी तक चलने वाला है। ठीक है, तो ये चलिए एंट्री लेते हैं यहाँ। दोस्तों, तो यहाँ की टाइमिंग है वो है सुबह के 11 बजे से रात के 8 बजे तक। ठीक है, और यहाँ पे आपको फ्री में एंट्री मिल जाती है, मतलब आपको यहाँ पे कोई एंट्री टिकट नहीं लेनी, आपको यहाँ पे फ्री में एंट्री मिल जाती है। भाई जब ये स्टार्ट हुआ था 16 फरवरी को, तो मोदी जी भी मतलब कल ही आए थे, कल ही 16 फरवरी थी, तो कल ही इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। ये देखिए दोस्तों, एंट्री लेते हैं, हमें यहाँ पे अलग अलग स्टेट के स्टॉल वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉल नंबर दे रखे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 करके ऐसे सारे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। तो ये एक स्टॉल नंबर से शुरू करते हैं, पता करते हैं भाई कहाँ से आए हो आप? भाई मैं दिल्ली का ही हूँ, ये नागालैंड का स्टॉल है। अच्छा अच्छा, आप दिल्ली के हो, ये नागालैंड का स्टॉल है। अच्छा, ओनर अभी आए नहीं है, तो थोड़ा आप हमें बता सकते हो? अच्छा अच्छा, आपको पता ही नहीं है, तो जो ओनर है भाई वो आए नहीं है, नागालैंड का स्टॉल रहने वाला है स्टॉल नंबर 1। तो भाई ये देखो, ये स्टॉल नंबर 2 रहने वाला है और ये आई थिंक राजस्थान और लद्दाख। अच्छा, आप लद्दाख से हैं आप? अच्छा अच्छा, हैंडमेड है सारा। ठीक है ठीक है, तो इसका क्या प्राइस रहेगा? 700 रुपये का। अच्छा भाई, इस तरह का हैंडमेड थैले रहने वाला है जिसका की प्राइस 700 रुपये रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे काफी तरह तरह के, किस तरह के, ये क्या है, सॉल है क्या? ये बेडशीट है। अच्छा बेडशीट है, तो इसका क्या प्राइस रहेगा? 3200। अच्छा अच्छा, ये भाई बेडशीट देखिए, ये मिल जाएगी और इसका 3200 रहेगा। स्टॉल नंबर 7 और छत्तीसगढ़ का स्टॉल रहने वाला है और यहाँ पे कुछ इस तरीके के आइटम देखने के लिए मिली है। ठीक है, ये सर छत्तीसगढ़ का क्या लेकर आए स्पेशल आप? लोकल वैरायटी है जो। अच्छा अच्छा, सारा ये चावल वगैरह है ना? चावल है सारा, राइस का आइटम है। और ये क्या चीज़ है? इमली है जी, इमली है। ये हल्दी है, पेड़ा पाउडर बोलते हैं इसे। अच्छा अच्छा, ये कुल्ती है सर। अच्छा, क्या कुल्ती जी? दाल, दाल। अच्छा, दाल की वैरायटी है ये, और किस प्राइस में रहता है ये? 140 1 kg का है। ठीक है ठीक, और नेक्स्ट स्टॉल देखो, ये राजस्थान का रहने वाला है स्टॉल नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे थोड़े कस्टमर है, थोड़ा आगे चलते हैं। और नेक्स्ट स्टॉल से देखिए, स्टॉल नंबर 9 रहने वाला है छत्तीसगढ़ का, जहाँ अरे ये इस तरीके के वुडन वाले आइटम वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए भाई ने कितने अच्छे अच्छे रख रखे हैं डेकोरेटिव वाले। तो आपका सारा ये वुडन में ही रहने वाला है? बैम्बू का है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये क्या प्राइस रहता है इनका, जैसे धनुष वगैरह हो गया? 250 का। ये देखो भाई इस तरीके के, ठीक है, बैम्बू के आपको ये धनुष मिल जाएंगे 250 रुपये के। ठीक है, और ये क्या चीज़ रहता है? ये प्लांटिंग के लिए आता है ना? अच्छा, ये प्लांटिंग के काम आता है। ये इसका क्या प्राइस रहता है? 200। अच्छा अच्छा ठीक है। हमें ये लाख की चूड़ियाँ देखने के लिए मिली है, ये शायद झारखंड से आए हैं। मैम जी आप झारखंड से आए हैं? झारखंड से आए। अच्छा अच्छा, ये देखो इस तरीके से चूड़ियाँ तैयार कर रहे हैं, देखो कोयले पे करके। ठीक है, ये सारे कितने सुंदर सुंदर पीसेस लगा रखे हैं। अच्छा, किस प्राइस में रहते हैं छोटे वाले? 50 रुपये के। अच्छा, बड़े वाले? 100 रुपये के। अच्छा, तो काफी सुंदर सुंदर लगा रखे हैं भाई। ये रहने वाले झारखंड से आए हुए हैं।
स्टॉल नंबर 12 है, ये भी झारखंड का रहने वाला है और यहाँ पे भी हमें सारे भैया जी बैम्बू से बने हुए हैं। हाँ, बैम्बू से बने हुए। अच्छा अच्छा बैम्बू से बने। तो क्या प्राइस रहता है इनका, जैसे ये वाला है टोकरी, इसका प्राइस है इसमें मेंशन है 600 रुपए का। 600 का दोनों है ना? नहीं, हाँ एक है। अच्छा एक है 600। अच्छा बैग वगैरह क्या प्राइस रहता है ऐसे इनका? इसका 800 रुपए। अच्छा ठीक है भाई, तो इस तरीके से इस वाले स्टॉल पे देखने वाले स्टॉल नंबर 12 है, ठीक है। और नेक्स्ट पे चले तो स्टॉल नंबर 13 रहने वाला है, ये है मध्य प्रदेश का स्टॉल। और यहाँ पे मैं आई थिंक ये भैया ये साड़ियाँ हैं क्या? सूट है। अच्छा अच्छा सूट भी है साड़ियाँ भी है। तो सूट वगैरह कहाँ से स्टार्टिंग कर देते हैं? सूट की स्टार्टिंग 630 रुपए से लेके 4000 तक है अभी। अच्छा अच्छा, तो कॉटन सूट का मतलब जो है सारा जो फैब्रिक है वो कॉटन रहने वाला है। अच्छा रहने वाला है। तो 600 का थोड़ा सा दिखाएंगे कौन सा रह रहा है। 630 में ये बाटिक प्रिंट होते हैं, अभी तो हमारे पास सारे बिक चुके हैं। अच्छा अच्छा जी वाला, ठीक है भैया। तो ये स्टॉल नंबर 13 है मध्य प्रदेश का, और इसी के बगल में देखिए स्टॉल नंबर 14 रहने वाला है मणिपुर का। क्या प्राइस में रहते हैं ये? 400। अच्छा अच्छा, ये 400 का रहेगा। और ये क्या चीज है? ये इयररिंग्स है। अच्छा अच्छा भाई, इस तरीके के भाई यूनिक यूनिक आपको इयररिंग्स वगैरह देखने मिल जाएंगे। कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 100 का है। ओके ठीक, तो ये 100 के रहने वाली है। और ये क्या चीज़ है? शॉल। कहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है? 1500। ओके, तो 1500 से ये सब भी स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे आपको शॉल वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये स्टॉल नंबर 14 रहने वाला है, ठीक है भाई, मणिपुर का स्टॉल था ये। और आगे चलें तो ये स्टॉल नंबर 15 है तेलंगाना का, और यहाँ पे हमें देखिए कुछ इस तरीके से ये कैसे मतलब सजावट में काम आते हैं? सजावट शो। अच्छा अच्छा, शो पीस के लिए, ठीक है ठीक है। तो एक आधा का प्राइस बताएंगे, जैसे ये हाथी कितने में? हाथी 1200 का है। 1200 का है, 1200 का है ना? पीतल का है। हाँ। अच्छा अच्छा, ये सारा पीतल का है? सारा पीतल। क्या बात है, ये सारा देख रहे हैं जो अभी पीतल में रहने वाला है। अच्छा ये बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने का रहेगा? 3000 का सेट, 5 पीस। 3000 का पूरा सेट, ठीक है ये 3000 का पूरा सेट रहने वाला है। यहाँ पे देखो दोस्तों कुछ इस तरीके से चीजें वगैरह देखने के लिए मिली है। भैया जी क्या कर रहे हैं आप? ये फिगर बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखो जैसे इस तरीके की फिगर है ना, ये सारा ऐसे ही मतलब ये सारा तैयार किया जाता है। और ये कोयले में मतलब उसे पूरा ये जला गरम कर देते हैं ना। अच्छा इस तरीके से देखिए, ये सारा ये तैयार किया जाता है, ये जो भी आप डेकोरेटिव आइटम देख रहे हैं ना, इसी तरीके से बनाया जाता है। ये देखो आगे चले तो भाई स्टॉल नंबर 16 है राजस्थान का, हमें यहाँ पे राजस्थान का सूट वगैरह ये क्या है, सूट है क्या ये? अच्छा तो किस प्राइस में स्टार्ट हो जाते हैं सूट वगैरह? 1200 रुपये से। अच्छा अच्छा, तो 1200 कौन सा रहेगा थोड़ा सा दिखाएंगे? अच्छा ये सारे 1200 के लगा रखे, ठीक है। तो भाई देखो ये 1200 में रहने वाला है, ठीक है, कुछ तरीके से पीस रहने वाले हैं। स्टॉल नंबर 16 राजस्थान का रहने वाला है, ठीक है। आगे चले तो देखो स्टॉल नंबर 17 मिल जाएगा आसाम का, क्योंकि ये लोग आसाम से आए हुए हैं। आई थिंक इन्हें सारा ये कपड़े वगैरह कर रखा है, कुर्ता वगैरह। ये कुर्ते हैं ना, किस प्राइस से स्टार्ट है? अच्छा 800 से लेकर 2500 तक है, ठीक है। 800 में कौन सा रहेगा ये वाले? अच्छा अच्छा, 800 के ये रहेंगे भाई, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये सूती कपड़े हैं सारे। हाँ, हाँ। ओके ओके, सारे सूती कपड़े में रहने। ये देखो भाई ये स्टॉल नंबर 20 रहने वाला है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे आपको एक कुछ खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। ये भैया जी क्या है, मसाले का आइटम है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये है। अच्छा अच्छा, सारा आयुर्वेदिक का रहेगा। अच्छा 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 जी, भैया ने सारे आयुर्वेदिक के लगा रहे हैं। ये है स्टॉल नंबर 21 जो कि राजस्थान का है। अब राजस्थान से आए हैं। अच्छा अच्छा, तो ये सारा देखो पेंटिंग रहने वाला है, ठीक है, ये राजस्थान से आए हैं। और क्या प्राइस रहता है, जैसे कि इसका क्या प्राइस रहेगा? 1200 रुपए के। अच्छा अच्छा, ये 1200। अच्छा स्टार्टिंग वगैरह कहाँ से हो जाती है पेंटिंग की? 1000 से 1000 से 10000 तक की पेंटिंग मिल जाएगी भाई। 1000 से स्टार्ट होकर के 10000 तक इनके पास पेंटिंग मिल जाएगी। अपने स्टॉल है मध्य प्रदेश का स्टॉल नंबर 24, ठीक है। इस तरीके से पर्स वगैरह मिल जाएंगे सर, ये सारे हैंडमेड है। अच्छा क्या प्राइस रहता है सर इसका? 200। अच्छा सबका अलग अलग प्राइस है इसका, 200 रुपये, ठीक है। इसका क्या प्राइस रहेगा? 300 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके का आपको हैंडमेड बैग वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा ये क्या चीज़ है? अच्छा गले में पहनने वाला है। ओके ओके ठीक है ठीक है। क्या प्राइस रहेगा इसका? ये 600 रुपये। 600 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एक कठपुतलिया टाइप की लगा रखी है। पूरे कपड़े की बनती है, सिर्फ मध्य प्रदेश में बनती है। अच्छा अच्छा, मध्य प्रदेश में बनती है।
अच्छा अच्छा, ये कपड़े से बना रखे है ना, कपड़े से बना रखे भाई, देखो इतनी सुंदर लग रही है। और क्या प्राइस रहेगा भैया इसका? 1500, ये 1800 की है। और ये वाली 600 की है। तो भाई ये सारे में ऐसे में लगा रखा है, ठीक है, ये स्टॉल वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, काफी सारे स्टॉल लगा रखे हैं। ये देखते हैं भैया कहाँ से आए हैं, और यहाँ पे पेंटिंग वगैरह देखने के लिए मिली है, तो भैया थोड़ा सा पता करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? बंगाल से आए हो। अच्छा, सारा पेंटिंग का सामान रहने वाला है आपका? अच्छा अच्छा, ये देखो भाई कुछ तरीके से पेंटिंग का सारा ये भैया का कारोबार रहने वाला है। भैया क्या प्राइस देते हैं इनके? जैसे ये वाला है रेड वाला 350 रुपए का। अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या प्राइस रहता है भैया इनका? जोड़ा 800। जोड़ा 800 रुपए का। अच्छा अच्छा, जोड़ा मिल जाएगा आपको 800 वाला है। सामने और मध्य प्रदेश का स्टॉल है, ठीक है, और ये स्टॉल नंबर 27 हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद मणिपुर, छत्तीसगढ़, लद्दाख, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, इसी तरीके के से आपको काफी सारे स्टॉल वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉल देखो तो ये 40 उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। भाई जी उत्तर प्रदेश से आए हैं, इसमें रहते हैं, किस प्राइस से स्टार्ट हो जाते हैं? 200 रुपए का। अच्छा, ये देखो इस तरीके के रहने वाले, ये 200 रुपए में लगा रखे भाई ने। कारपेट से रहने वाले है ना, तो कारपेट कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं? 200 रुपए से। अच्छा, ये वाला तो, अच्छा ये इस तरह के कारपेट मिल जाएंगे 200 रुपए से स्टार्ट है, ठीक है। और काफी बड़े बड़े कारपेट भी रख रखे भैया ने, जैसे बड़े वाले देख रहा हूँ भैया, कितने वाले? ये कितने वाला है? 4000 से। अच्छा, ये 8500 का रहेगा। आगे चले तो ये उत्तराखंड का स्टॉल रहेगा, 41वां स्टॉल, यहाँ पे आपको मतलब इस तरह की चीज वगैरह देखने को मिल जाएंगी। उत्तराखंड का स्टॉल है, ठीक है, हो गया ये 150 हो गया। अच्छा, ये कैप वगैरह हो गया, 300 हो गया, ये 300 अलग अलग प्राइस है, ठीक है। ये कितने में रहेगा? ये उत्तराखंड की काफी फेमस है जो टोपी कैप होती है, कितने में रहेगी? ये 250 का है, ये 250 में मिल जाएगा, ठीक। दोस्तों ये रहेगा स्टॉल नंबर 120, जो कि महाराष्ट्र का स्टॉल रहने वाला है। यहाँ पे आपको देखो पापड़ वगैरह देखने मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो किस प्राइस में रहता है ये? 70 रुपए। अच्छा, ये 70 रुपए का, इसमें प्राइस मेंशन कर रखा है देखो, ठीक है, काफी वैरायटी के पापड़ मिल जाएंगे। अच्छा, ये क्या चीज है? अच्छा, सत्तू है, 70 रुपए का, ठीक है, ये 70 रुपए का रहेगा, ठीक है, सत्तू वगैरह मिल जाएंगे। इसके लड्डू भी बना सकते घर में, इसका लड्डू भी बना सकते हैं, लड्डू पर 121, जो कि मेघालय का स्टॉल है। तो यहाँ पे कुछ तरीके से सारा डेकोरेटिव आइटम मिला है देखने के लिए। सर ये सारा बैम्बू से बना हुआ है? बैम्बू से बना हुआ है। अच्छा, क्या प्राइस में रहता है ये? 100 रुपीज। अच्छा, कोई सा भी ले लें 100 रुपीज का, अलग अलग है। अच्छा, ये बड़े वाला जैसे ये कितने का है? 400। ये 400 का है, वो 300 का है। अच्छा, 300। यहाँ पे देखो भाई ये है स्टॉल नंबर 125, जो कि वेस्ट बंगाल का स्टॉल रहने वाला है। यहाँ पे सारे डेकोरेटिव आइटम वगैरह देखने के लिए मिले। 600 से स्टार्टिंग है। अच्छा, 600 से स्टार्टिंग है, कौन सा रहेगा 600 वाला? ये वाला 600 का रहेगा। अच्छा, ये देखो भाई ये 600 का रहने वाला है, सारे हैंड। हाँ जी, मेरा चैनल है नोमैडिक मनीष के नाम पे। तो ये सारे डेकोरेटिव आइटम यहाँ पे मैम जी ने लगा रखे हैं। और इस तरह के जो लैंप है, ये किस से स्टार्ट हो जाते हैं? 950 के, ठीक है। स्टॉल है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे आपको किस तरह की चीज़ वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी। ये किस प्राइस में मैम जी? 1000 रुपये का। अच्छा, 1000 रुपये का रहेगा, किस तरह देखो पेंटिंग वगैरह बना रखे। अच्छा, पेंटिंग ये कितने का रहेगा? ये वाला 7000 का। ये देखो भाई ये है स्टॉल नंबर 140, जो कि तेलंगाना का स्टॉल रहेगा। भाई जी तेलंगाना से आए हैं? तेलंगाना से। अच्छा अच्छा, तो हैदराबाद। ओके ओके, तो सर आप क्या मतलब सारा हैंडमेड लेके आए हैं? हाँ, हैंडमेड सर। अच्छा अच्छा, सबसे हाथ से बनाते हैं, हाथ से करते हैं सर। सारा हाथ से बना हुआ है, ठीक है ठीक है। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये छोटे वाले कितने प्राइस से स्टार्ट हो जाते हैं? 100 से। अच्छा अच्छा, 100 से छोटा भी है सर, ये तो 50 वाला है देखो। अच्छा, 50 से स्टार्टिंग कर देते हैं आप? 50 से स्टार्टिंग है। अच्छा, कुछ भी चिल्लर पैसे रहता ना सर? हाँ सर, पॉइंट्स। ओके ओके, पॉइंट्स रख ले सकते हैं जी जी। अच्छा सर, ऐसे जिप लगा देना। हाँ, ऐसा फिंगर लगा लेके चले जाते हैं। क्या बात है भाई, ये देखो 50 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और काफी वैरायटी मिल जाएगी भैया पे, काफी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लगा रखे भैया ने पीस। देखो देखो सर, काफी सुंदर सुंदर लगा रहे। ये देखो क्या बोलते हैं इसे? वॉल वॉल के। अच्छा, वॉल पे लगाने के लिए? ड्राइंग रूम रहते हैं ना सर। अच्छा, ड्राइंग रूम में लगाने के काम आता है? ठीक है ठीक है। अच्छा सर, डिजाइन लिखता है वो? हाँ ठीक है ठीक है। तो काफी सारे लगा रखे भैया ने, देखो ठीक है। अच्छा, प्राइस मेंशन कर रखा है ना आपने? प्राइस सब पे मेंशन है। देखो 250 का रहेगा ये वाला, और जैसे छोटा वाला है ये 150 का रहेगा, ठीक है, और ये भी 150 का रहेंगे। रखने के पहुंचता है। हाँ हाँ, ये 140 का रहेगा। सामान रखने का ये 200 का रहेगा। पासपोर्ट और मोबाइल मनी कुछ भी रखने को। हाँ, क्या प्राइस रहेगा इसका? 250 इसका, 250 रहेगा। ये 400 रहेगा ना? ये 400 का रहने वाला। तो भाई यहाँ पे हमें ये स्टॉल नंबर 86 देखने को मिले, जो कि वेस्ट बंगाल से आए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ तरीके से आइटम वगैरह लगा रखे हैं। मैम जी कितने से स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ये वाला देख रहा हूँ मैं?
350 का है। अच्छा अच्छा, और ये पीस है, ये ब्लाउज पीस है 350। अच्छा 550, ये सारे ब्लाउज पीस है। ठीक है, इस तरफ देखे तो ये क्या चीज लगा रखे आपने? कुर्ती है। ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा है। अच्छा, कॉटन का दुपट्टा है, कॉटन का दुपट्टा है। तो ये कुर्तियाँ वगैरह कहाँ से शुरू कर देते हैं, प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? 850 से। ठीक है, और ये क्या चीज है? वो साड़ी है। साड़ी है, अच्छा ठीक है जी। ये साड़ी वगैरह देखने के लिए मिलेंगी। प्राइस यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है, 2100 का रहेगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला देखो 2500 पे रहेगा। ठीक, ये देखो भाई, ये है स्टॉल नंबर 71 जो कि उड़ीसा से आए। ठीक है, तो सर जी उड़ीसा से आए, सर उड़ीसा से आए हैं, तो ये सारा आप पेंटिंग का लेकर आए हैं? अच्छा, सर का सारा पेंटिंग में कारोबार रहने वाला है। देखो कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग लगा रखे हैं। जैसे कि ये सर जी, ये गणेश जी की कितनी रहेगी पेंटिंग? 400 रुपीज। अच्छा 400 रुपये। अच्छा, स्टार्टिंग कहाँ से कर देते हैं पेंटिंग की? हाँ, कितने रुपए से स्टार्ट हो जाती है आपके पास पेंटिंग? तो हमें तो 100 रुपीज तो 100 रुपए से लेकर के 20,000 परसेंट। अच्छा अच्छा, 100,000। अच्छा, 100 रुपए से लेकर के 20,000 तक। ठीक है जी, 50,000 तक, 50,000 तक भाई आपको मतलब इनके पास पेंटिंग मिल जाएगी। जैसे बड़ी वाली है, ये वाली कितने की रहेगी? 20,000 की। अच्छा, ये 20,000 की रहेगी भाई। देखो ये बड़ी वाली पेंटिंग यहाँ पे भाई, देखो इस तरीके से ये हर टाइप का बनाया हुआ है पूरा, काफी सही लग रहा है देखने में। और ये भाई यहाँ पे ठेला टाइप का खड़ा कर रखा है, यहाँ पे भी सारे आइटम लगा रखे हैं, हैंडमेड पर्स वगैरह। देखिए सामने देख रहे हैं जो कि मैंने आपको दिखाया, बड़ा स्टेज लगा हुआ है जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। उसी के बगल में यहाँ पे ना इस तरफ आपको फूड स्टॉल वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अलग अलग मतलब बताया तो ऐसी था कि भाई अलग अलग स्टेट के फूड वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। ये देखो स्टेट के नाम नहीं लिख रहे, ठीक है, स्टॉल नंबर है F16, तो ऐसे देख सकते हैं। भाई आपने क्या लगा रखा है? बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो इस तरीके से आपको खाने पीने के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। क्या प्राइस है? 250 रुपये। 250 रुपये फुल प्लेट। अच्छा ठीक है, ये ऐसे रहने वाला है। और यहाँ पे काफी सारे स्टॉल वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, जो भी आप फूड वगैरह इंजॉय करना चाहें वो खा सकते हैं। ठीक है, फूड कोर्ट एरिया है ना भाई, वो मतलब अभी प्रॉपर तरीके से सारा मतलब बना नहीं है, जैसे कि अभी बना ही रहे भाई, अभी तैयार नहीं हुआ ना, अभी लग ही रहा है। आपका क्या है, मोमोज का है? अच्छा मोमोज का है, ठीक है, तो अभी लगा ही रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लगा नहीं है। और कुछ कुछ स्टॉल चालू हो गए, जैसे चाय कॉफी वाले स्टॉल है ना, वो चालू हो गए हैं। भाई जैसा कि मैंने आप सबको बताया था ना, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो ये शायद स्टेज शो करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे सामने स्टेज बना रखा है, जैसे ही वो स्टार्ट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जो कल्चरल प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए, चलिए आपको कल्चरल प्रोग्राम दिखाते हैं। यहाँ पे मतलब अलग अलग स्टेट के जो है कल्चरल प्रोग्राम वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे देखिए ये गाइस लद्दाख का शो हो रहा है। तो बस भाई आज के इस ब्लॉग में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और भाई मतलब यहाँ पे ना आकर के आप हैंडीक्राफ्ट आइटम वगैरह ले सकते हैं, बहुत से हैंडलूम प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया ना, ऐसे कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं, तो वो भी आप आकर के एंजॉय कर सकते हैं। और हमारे चैनल में ऐसे दिल्ली NCR के ब्लॉग्स वगैरह आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ठीक है, और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।